संगीत आत्मा का नाथ है और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। सुर और ताल के इस खूबसूरत कुदरती ताने बाने में पिरोए गए हमारे अनगिनत राग, हमारे अपने स्वभाव, अपने वातावरण और हमारे बेशुमार मौसमों ऋतुओं का ही अक्स हैं। हमारा शास्त्रीय संगीत सही मायनों में जीवन की कोक से ही पैदा हुआ है। जीवन की इन्हीं सुरीली संतानों को राग कहा जाता है। तो आइए, जिस जीवन का रागों ने श्रृंगार किया है, उन्हें रागों की गहराई में जाकर महानतम संगीतकारों द्वारा किए गए अध्ययनों को नमन करें। मौसीकी खोज, आज का एपिसोड राग यमन। मेरा ख्याल है ये सारे एपिसोड्स में दो चार ऐसे होंगे जो सबको पसंद भी ज़्यादा आएंगे और इससे इंसान कनेक्ट भी कर सकेगा। यमन ऐसा राग है जो जिसको हम एक बेसिक राग कहते हैं। मेरा ख्याल है जब इंसान कोई गाना बजाना सीखने जाता है तो सबसे पहले ये ही राग सीखता है। और ये एक ऐसा राग है जो मैं कम से कम 30 साल से सुनता चले आ रहा हूँ, 40 साल से सुनता चले आ रहा हूँ, मगर इंसान थकता नहीं। हर इंसान का एक अलग अंदाज होता है और यमन को आप सुनते नहीं थकते, ऐसा खूबसूरत राग है। यमन की कितनी खासियत है, शाम का राग है और सुर भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। नीरे प म रे म ध स नि ध प म रे ग प म रे नि र नि रे ग स। ये ऐसा राग है जिसमें हम बड़ा सीरियसनेस भी हर न, या उसको एक अलग रंग से दे न, उसको ही नरम कर दिया जाता है, उसको ही खूबसूरत कर सकते हैं। एक सीरियस उसकी खूबसूरती हम एक खिलवाड़ के अंदाज में भी देख सकते हैं। यमन का ये खासियत है कि बच्चा बूढ़ा जवान जो भी लेके बैठे वो ऑटोमेटिकली उसका खुद का अंदाज, खुद की फीलिंग उस राग में आ जाती है। बेगम परवीन सुल्ताना हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कलाकारों में से एक है। उनकी आवाज और उसमें क्या कशिश है इसका तो कोई शक है ही नहीं। उसमें यमन जैसे राग की खूबसूरती जब मिल जाती है तो उसकी एक अलग निशानी, एक अलग खूबसूरती बनती है। आइए आपको उनका गाया हुआ एक यमन का बंदिश सुनवाता हूँ।
वोकल में यमन के बहुत सारे बंदिशें हैं, इंस्ट्रूमेंटल में भी, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में भी यमन उतने ही खूबसूरती से, उतने ही शौक़ से गाया बजाया जाता है। उस्ताद शाहिद परवेज़ हिंदुस्तान के बड़े सितारियों में एक हैं। आज उनका बजाया हुआ यमन का ये मूवमेंट, ये बंदिश आपको सुनवाऊँ। Thank you.
यमन में क्लासिकल कॉम्पोजिशंस, गीत, गज़ल, भजन अलग किस्म के हैं। एक बड़ी खूबसूरत गज़ल है मेहंदी हसन ने गाई है, मेरा ख्याल है सब इससे रिलेट करते हैं यमन को। रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए, एक क्लासिक है मेरा ख्याल है। एक चीज़ कभी कभी इंसान बना देता है, एक चीज़ कंपोज कर देता है, उनको खुद ही अंदाज़ नहीं होता है कि क्या चीज़ बना दी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसको गाते चले जाएंगे। अमरीश मिश्रा जी ने अपना वर्णन इस गज़ल को दिया है, आइए आपको सुनवाऊं मैं। रंजिश ही सही रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही जाने के लिए आ, रंजिश ही सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे, किस किस को बताएंगे, बताएंगे हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ, रंजिश ही सही। तू माने के लिए आ, रंजिश ही सही। ऐसे ही किसी रोज न जाने के लिए आ, रंजिश ही सही। दिल ही दुखाने के लिए जाने के लिए आ, रंजिश ही सही। दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। यमन भाई सब लोग बहुत शौक से गाते बजाते हैं। मैंने कहा एक छोटा सा टुकड़ा यमन का मैं भी आपको सुनाऊं तबले के साथ।
मैं यमन को किस खूबसूरती से, किस निगाह से देखता हूं, ये आपके सामने पेश करूं। Thank you.
इमरान साहब हमारे दिल्ली घराने के बड़े उभरते हुए कलाकार हैं। उन्होंने यमन को अलग अलग अंदाज से गाया बजाया है। उन्होंने एक फिल्म का गाना गाया है, उस फिल्म का गाना इमरान साहब आपको एक देखिए, क्लासिसिज्म हर गाने में आ सकता है, हर गाने में फोक का टच आ सकता है। जो इंसान आप कोई भी गाना जाके सुनिएगा, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बरसात की रात, आप सबने सुना है, इमरान साहब आपको गा के सुना रहे हैं। आप उसको देखिएगा कि वही गाना आपने अलग अलग लोगों से गाते हुए सुना है, उन्होंने उसको क्या अंदाज दिया है, ये आप मजा लीजिए इसका। जीवन के किसी भी मोड़ पर रुककर देखिए, आपको संगीत तो सुनाई देगा ही। संगीत चाहे आज का हो या आने वाले कल का, पैदा गुजरे कल की कोख से ही हुआ है। हमारा ये कार्यक्रम मौसीकी एक खोज इसी सोच पर आधारित है। फिल्मी गीत हो, ठुमरी हो, वादन हो या शास्त्रीय गायन, सबकी बुनियाद राग हैं। इन्हीं रागों को संगीत के अलग अलग पहलुओं से समझाने का सुरमई आईना है मौसीकी एक खोज। आप देख रहे हैं